फतेहाबाद के नागपुर इलाके में चोरों ने देर रात 3 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने एक के बाद एक दुकानों के ताले तोड़े और दुकान में रखे महंगे मोबाइल फोन पर अपने हाथ साफ किए। भाई की शॉप है जी, वीवो के मोबाइल है जी, 34 पीस उठाए गए जी, 10-12 हज़ार की रेंज में है। एक मोबाइल और कितने का नुकसान हुआ आपका? 3.5 लाख रुपए का। शाम कितने बजे गए थे आप दुकान में? शाम 8 बजे। तो आपको क्या सूचना मिली दुकान को? ये तो इन्होंने बस स्टैंड वालों ने करी है सूचना, ये आपके ताले टूटे पड़े। अच्छा। उन्होंने आके देखा तो लॉक टूटा हुआ था, ये सारा सामान खिंडा हुआ था, तो ये मोबाइल देखे तो ये सब उठा लेंगे। आसपास के लोगों ने एक चोरी की जानकारी दुकान संचालकों को दी। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आसपास लगे कैमरों की मदद से चोरों का सुराग जुटाने में लगी है। नागपुर बस स्टैंड पे 2-3 दुकानों के ताले टूटे हैं। एक मोबाइल की दुकान है, एक मनियारी की है और एक चाय की दुकान है। उसमें चोरी हुई है, हमें सूचना मिली है अभी, तो जल्दी हम FIR दर्ज करके और जल्द से जल्द दंबे से देकर चोरों को गिरफ्तार किया। क्या कार्रवाई चल रही है जी? अभी कैमरा वगैरह वहाँ आसपास में देखे जाएंगे और उसमें जैसे CCTV फुटेज हैं और जल्दी से जल्दी जो एरिया के संदिग्ध चोर वगैरह जो हैं उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके और सामान बरामद करवाएंगे। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा।